Okay. Now, your NCERT exercise number 3.3, four questions I have written here. सबसे पहले इन दोनों के मुझे अलग अलग वीडियो बनाने पड़ेंगे और इन दोनों के एक ही वीडियो बनाने पड़ेंगे. This question I will tell you from two methods. Method क्या है? इसलिए टाइम लगता है, जल्दीबाजी मत करना. इसमें से कई क्वेश्चन यहां पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के भी हैं. एनीहाउ, सो नाउ सॉल्यूशन नंबर 12 है. लेफ्ट हैंड साइड इसी को देखो, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x. ये मैं आपको फर्स्ट मेथड से आपको बता रहा हूं. ठीक है, अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा ना. ये थोड़ा सा आपको टिपिकल सा लगेगा, क्योंकि जब तक हमें फॉर्मूले याद नहीं होते तो थोड़ा सा टिपिकल लगता है. तो अब इसमें देखो, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय. तो देखिए, ये वन अपॉन टू, दिस इज द टू साइन स्क्वायर 6x और माइनस टू साइन स्क्वायर आपका देखो 4x. टू से मल्टीप्लाई कर दिया एंड टू से डिवाइड कर दिया, बाय विच टू आपका यू हैव डिवाइडेड आपका, आई हैव टेकन आपका कॉमन 1/2 आपका. ऐसा क्लियर? अब यहाँ पे जो बेसिकली जो फॉर्मूला अप्लाइड वाली आप बात करेंगे, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉस टू थीटा इज इक्वल वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा. ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है? कॉस टू थीटा के मैंने फोर फॉर्मूले आपको बताए होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक ये एक टेन स्क्वायर थीटा के रिगार्ड में 1 - 10 स्क्वायर थीटा जो भी. ठीक है, उनमें से आई एम टेकिंग दिस वन. तो देखो, अगर यहां देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको अगर मैं देखो कॉस 12 थीटा लिख, लुक ठीक है ना, 12 सर. और मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको जब मैं लिखूंगा तो कॉस 2 × 6 थीटा लिखूंगा. ठीक हो गया, देखिए भाई 2 × 6 = 12 हो गया, और इसको जब मैं इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा तो 1 - 2 साइन स्क्वायर. देखिए आ रही है नहीं आ रही है, है क्लियर? अब यहां तो 1/2, अब ये क्या हो जाएगा, जैसे कॉस टू इधर आएगा, इसका मतलब देखो 1 - cos 12x, इसको मैं लिख सकता हूं. ध्यान से देखिए, और माइनस इसको मैं लिख सकता हूं 1 - cos 8x. हाँ या ना, से यस से नो आपके सामने. इसका भी लिखा, देखो कॉस 8 थीटा है तो ना देखो, जैसे कॉस यू विल राइट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 4 × cos 2 थीटा, दिस इज द थीटा. तो जब मैं इसको कन्वर्ट, आई विल कन्वर्ट इट टू 1 - 2 sin² थीटा, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा. सो 2 sin² 4x को व्हाट आई कैन राइट 1 - cos 8x. Okay. Now you open the bracket. इससे ये खलास हो गया 1 - cos 12x + cos 2x. जी ठीक हो गया. आप ये माइनस है, यू कैन राइट
करा cos 8x in the beginning और minus cos 12x. आप कहेंगे ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब आप देखो एक फॉर्मूला, अगेन यू विल टेल मी cos c minus cos d का फॉर्मूला क्या होता है? यू टेल मी 2 sin c plus d by 2 and sin d minus c by 2. Am I right? 1 by 2, 2 sin, 8x plus 12x by 2, or my, into, sorry, sin 12x or minus 8x, d minus c upon 2, 1 upon 2, sorry, 2 sin, 12x upon 2, or sin 4x upon 6x और into sin 4x. ये देखिए जल्दी बताओ ठीक किया मैंने गलत किया? कहीं पे गलती की मैंने? आप देख ही नहीं रहे तो मैं तो फिर आप ही के अपने हिसाब से करूंगा. जब चौंकने वाला नहीं रहता कोई देखो अपना तो 20 जैसे ये आपका ध्यान नहीं था इसलिए मैंने कहा चुपचाप करते रहो. 4x हो गया तो 2 sin 10x sin 2x हो गया. 2 से 2 भी कैंसिल. मैंने यहाँ पे 8x plus 12x को जबरदस्ती यहाँ पे 12x लिख दिया था कि आपका ध्यान है नहीं. 8x plus 12x 20x 20 2 10s are 10x 12 में से 8 जाएंगे 4x 2 2s आपका देखो ये हो गया ये 2 तो 2 है 2 से 2 कैंसिल हो गया sin 10x और sin 2x. देख लीजिएगा क्या है नाउ RHS हो गया तो 10 LHS इज इक्वल टू RHS. एक मेथड तो ये आपकी मर्जी आप जिससे करें आपके टीचर किससे कराते हो क्या कराते होंगे वो तो एक्सरसाइज में 25 होंगे तो 5 करा रहे होंगे बाकी तो 20 घर से करके लिया. और मैं देखिए यहां है आपकी नजर ये माइनस को पीछे लिख दिया प्लस को यहां लिख दिया तो इससे क्या होगा कि जो स्मॉलर वैल्यू है 8x जी कहां इसका 6x को आप लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस 12x ऐसे लिख सकते हैं. कॉस 2 थीटा को क्या लिखते हैं आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये थीटा देखो थीटा इसका आधा है 2 थीटा का आधा है नहीं पहले मेरी बात समझो तो देखो यहां पे ये जो यहां पे 2 साइन 6 थीटा है जो 6 थीटा यहां देख रहे 6x तो जब cos 2 में जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा नहीं हो जाएगा 12x. हम लोग cosine x थीटा को cos 12x लिखेंगे बस cos क्यों लिखेंगे ये कहां जाएगा ये भाई सब कहां जाएंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा जब इधर जाएगा तो क्या होगा ये देखो cos 2 थीटा 1 minus 2 साइन स्क्वायर थीटा ये देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्लियर नाउ इट इज क्लियर सो नाइस गुड नथिंग एनी आई एम जस्ट टेलिंग दिस क्वेश्चन अगेन बाय द सेकंड मैथड. स्कूल वाले कहते हैं उतना ही पढ़ाओ कि जितना पढ़ सके बच्चा. मैं कहता कि इतना पढ़ाओ कि वो ज्यादा से ज्यादा देखो हर किसी की परिस्थिति अच्छी नहीं होती है पता चला हमारे पास आगे बच्चे को कंपटीशन लेवल की तैयारी कर दो थोड़ा सा डेप्थ बच्चे को पता होनी चाहिए
इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, मेरा ये रहता बच्चे को। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आईडी अप्लाई, दिस इज कॉल्ड द थर्ड स्पेशल प्रोडक्ट आपका नाम देखो, दिस इज द आईडी। यहाँ अगर देखेंगे आप करेगा साइन सिक्स का देखो ए स्क्वायर लिखेंगे और माइनस देखो साइन फोर एक्स का स्क्वायर कहेंगे, तो देखो साइन सिक्स एक्स प्लस सॉरी साइन फोर एक्स ए प्लस बी साइन सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स ए माइनस। ओके आप देखिएगा दो फॉर्मूले एक साथ यूज करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता जी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू यही होता है, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला एग्जैक्टली उसमें आपका टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन आ जाएगा पीछे से साइन सी माइनस डी बाई टू। ओके ये देखो ये डी है ये सी है ये डी है ये सी है, तो नाउ टू साइन सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स बाई टू एंड नाउ कॉस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स बाई टू ये देखो, एंड व्हेन यू अप्लाई दिस वन हियर तो नाउ देखो दिस टू कॉस सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स बाई टू एंड साइन सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स बाई टू, तो दिस टू साइन टेन एक्स बाई टू एंड कॉस टू एक्स बाई टू और दिस टू कॉस टेन एक्स बाई टू एंड साइन खलास 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 खलास, तो ना दिस टू साइन फाइव एक्स कॉस एक्स एंड टू कॉस फाइव एक्स साइन एक्स। अब देखिएगा लुक 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 टू साइन फाइव एक्स कॉस फाइव एक्स यू राइट विद ईच अदर एक साथ टू साइन एक्स और कॉस एक्स एक साथ, तो यहां पे मल्टीपल फॉर्मूला लग जाएगा। ओके तो देखते टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी साइन टू थीटा, ठीक है देख रहे लिए टू साइन टू थीटा होता नहीं होता, तो देखो यहां पे अरे साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा होता नहीं होता, तो फिर ना क्यों बोल रहा, तो देखो टू टू साइन थीटा फाइव एक्स है थीटा फाइव एक्स है दोनों सेम होने चाहिए तभी आपका फॉर्मूला लगेगा, तो देखो साइन टू इंटू फाइव एक्स और इंटू टू सॉरी साइन टू इंटू आपका जो एक्स हो जाएगा, तो ये साइन टेन एक्स और साइन टू एक्स वही है देखेगा वही तो है साइन टेन एक्स साइन टू एक्स आर एच एस। तो विच वन यू फील दैट इट्स बेटर फॉर यू, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको है दोनों ही, ये वाला इजी लग रहा कहाँ ज्यादा लग रहा है यार, उसमें तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा दिख रही मुझे। चलिए कल आप अपनी सहेलियों को और अपने साथ वाले बच्चों को बोलना इन क्वेश्चन को देखना आपको कौन सा अच्छा लगा। चलिए तो एक वीडियो इसका क्लोज।